टॉप 10 कंट्रीज दैट आर गोइंग टू डिफॉल्ट आफ्टर श्रीलंका, 10 ममालिक जो कि श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों आपको शायद ये मालूम भी ना हो, लेकिन साल 2008 की फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस के असरात आज भी पूरी दुनिया के ममालिक और उनकी मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसके नतीजे में लबनान, श्रीलंका, रशिया, सरनेम और जेम्बिया जैसे ममालिक डिफॉल्ट हो चुके हैं और बहुत से डिफॉल्ट होने भी वाले हैं। $400 बिलियन डेब्ट से ज्यादा का कर्जा ऐसा है जो कि इन ममालिक ने अदा करना है, और इनमें से सबसे ज्यादा कर्जा अर्जेंटीना का है जो कि $150 बिलियन तक पहुंच चुका है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको इन ममालिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत जल्द डिफॉल्ट करने वाले हैं। नंबर 10, अर्जेंटीना। सालाना GDP $631 बिलियन, पर कैपिटा इनकम यानी कि औसतन सालाना इनकम $13,622। पिछले कई सालों से दुनिया की बहुत सी इकोनॉमीज नीचे की तरफ जा रही हैं और इन सबसे ज्यादा बुरा हाल अर्जेंटीना का है, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि यहाँ की ब्लैक मार्केट में इनकी ऑफिशियल करेंसी यानी कि अर्जेंटीनियन पैसो 50% डिस्काउंट पर दस्तयाब है। आज इनके रिजर्व इतने क्रिटिकली लो हो चुके हैं कि सिर्फ 2 सालों के अरसे में इनके मुल्क को अपने बॉन्ड रेट को 50 सेंट से गिराकर 20 सेंट पर लाना पड़ा है। अंदाजों के मुताबिक हुकूमत के बैंकों के पास सिर्फ 2024 तक मुल्क चलाने के असासे नहीं हैं। तहम इनकी नई प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडिस डी कशनर के मुताबिक इनकी पूरी उम्मीद है कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक से मजीद कर्जा लेकर अपनी मईशत को और बेहतर कर सकती है। नंबर 9, यूक्रेन। सालाना GDP $198 बिलियन, पर कैपिटा इनकम यानी कि औसतन सालाना इनकम $4,830। दोस्तों साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके नतीजे में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई जो कि आज तक जारी है और लगता है कि अगले कई सालों तक चलती रहेगी। इसके नतीजे में यूक्रेन की मईशत का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि जाहिर है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर मुल्क आप पर हमला कर देगा तो आपकी इकॉनमी कहां बच पाएगी। रूस के हमले के बाद इस छोटे से मुल्क का डेब्ट यानी कि कर्जा $10 बिलियन से सीधा बढ़ के $100 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है, और दुनिया भर ने अगर यूक्रेन का साथ ना दिया तो ये अगले चंद महीनों में डिफॉल्ट होने जा रहा है। सितंबर 2022 में इन्होंने अपने कर्जे की $1.2 बिलियन की पेमेंट भी करना थी जो कि अभी तक बाकी है। रूस के साथ अपनी जंग की वजह से यूक्रेन को पूरी दुनिया से हर तरह की मदद मिल रही है, जिसकी वजह से इस बात का चांस है कि इनके फॉरेन एड रिजर्व्स की मदद की वजह से ये अपना कर्जा उतार सकेंगे। आज इनके मुल्क की मईशत फॉरेन एड पर कुछ ज्यादा ही इन्हिसार भी कर रही है, जो इसको तेजी की तरफ डिफॉल्ट होने भी लेकर जा रहा है। 20% यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो भी चुका है। इनकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर के साथ साथ और बहुत सी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है। रूस ने क्रूज मिसाइल मारकर अपने पड़ोसी का बहुत नुकसान जहां पहुंचाया, वहीं पर इनकी मईशत 40% श्रिंक कर चुकी है। जंग की वजह से यूक्रेन की स्टॉक मार्केट पैसा भी नहीं पकड़ पा रही है, और जंग से पहले के कर्जे अभी तक इन्होंने नहीं दिए। आज यूक्रेन के पास अपने इन्वेस्टर्स को कर्जे वापस देने के लिए पैसे नहीं है, और इनका मुल्क यूक्रेनियन पब्लिक फाइनेंस पर ही जिंदा है, यानी कि जो लोगों का अपना जाती पैसा बैंकों में, ये बस उसी पे बैठे हुए हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट और यूरोपीय यूनियन और IMF पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करने लगे हैं, जिसके नतीजे में ये मुल्क अब किसी भी वक्त डिफॉल्ट हो सकता है। नंबर 8, तुनिशिया यानी के ट्यूनस। सालाना GDP $46 बिलियन, पर कैपिटा इनकम यानी के औसतन सालाना इनकम $3,763। दोस्तों शदीद गुर्बत और कमजोर मईशत की वजह से अफ्रीका के बहुत से ममालिक डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं, जिनमें सबसे आगे तुनिशिया यानी के ट्यूनस है। इनके 10% बजट डेफिसिट का मतलब ये है कि यहां के अखराजात इनकी कमाइयों से कहीं ज्यादा हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। इसके अलावा इनका हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर वेज बिल भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से पिछले काफी अरसे से यहाँ की हुकूमत ने अवाम को ना तो पेंशन दी है और पब्लिक सैलरी भी बंद कर रखी है। मुल्क की इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से को लेबर यूनियन माफिया ने कंट्रोल करके रखा है, जिसकी वजह से ये लोग IMF प्रोग्राम के साथ भी नहीं चल सकते। आज इनके मुल्क को $20 बिलियन फाइनेंसिंग की अशद जरूरत है, जिसके नतीजे में इनकी मईशत मजीद मुतासर हो सकती है। आज तुनिसिया IMF से $4 बिलियन का कर्जा ले रहा है, जिसके बदले इन पर बहुत सी कड़ी शराइत लागू होंगी, जिससे यहाँ की अवाम मजीद कुचली जाएगी, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। इस कर्जे की एक और बड़ी वजह इनके शदीद पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, जो कि पिछले 20 सालों से चल रहे हैं, जैसे हमारे पिछले 75 सालों से चल रहे हैं। पिछले एक साल में यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट 7% से बढ़ के 8% हो चुका है, और इनके मुल्क को अगला साल गुजारने के लिए $1.6 बिलियन की फंडिंग की अशद जरूरत है।
नंबर 7 घाना, सालाना जीडीपी 82 बिलियन डॉलर्स, पर कैपिटा इनकम 2374 डॉलर्स। दोस्तों, मुसलसल कर्जा लेने की वजह से आज घाना बहुत जल्द डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है और इसकी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 85% हो चुकी है। पिछले एक साल में इसकी अपनी करेंसी 10 सीधी अपनी 25% कदर खो चुकी है और ये दिन ब दिन गिर रही है। आज यहाँ पर इन्फ्लेशन यानी कि अफराते जर 30% हो चुकी है और मुल्क का ज्यादातर जमा किया गया पैसा टैक्सों और कर्जों की अदायगी में निकल जाता है। मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा मसला बढ़ते हुए कर्जे ही है। यहाँ की मईशत की तबाही की सबसे बड़ी वजूहत में 2020 में फैलने वाली वबा के अलावा रशिया और यूक्रेन की जंग, इनकी अपनी स्टेट की मिसमैनेजमेंट और यहाँ पर शदीद करप्शन शामिल है। ये मुल्क अपने गुजारे के लिए हर चीज को इम्पोर्ट करता है जबकि इनकी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बहुत खतरनाक बैलेंस ट्रेड डेफिसिट बन चुका है। मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ना होने के बराबर है और ये सभी वजूहात इसको तेजी से डिफॉल्ट की तरफ घसीट रहे हैं। नंबर 6 इजिप्ट यानी के मिसर, सालाना जीडीपी 439 बिलियन डॉलर्स, पर कैपिटा इनकम 4173 डॉलर्स। दोस्तों, मिसर आज दुनिया के मशहूर तरीन ममालिक में से एक होने के बावजूद डिफॉल्ट होने के करीब आ रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह इनका 95% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मुल्क अपनी सालाना कमाई का 95% हिस्सा तो अपना कर्जा उतारने में लगा जाता है। पिछले एक साल में इस मुल्क की कमाई में से 11 बिलियन डॉलर बाहर चला गया, जिसका बोझ इसकी इकोनॉमी पे पड़ा है। ये मुल्क एक बहुत ही बड़े कर्जे से दोचार है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने अगले 5 सालों के दौरान 100 बिलियन डॉलर्स का कर्ज उतारना है। मार्च 2022 में मिस्र ने अपनी करेंसी इजिप्शियन पाउंड की कदर 15% गिराकर आईएमएफ से मदद मांगी, जिसके नतीजे में इनको 5 बिलियन डॉलर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से रेस्क्यू पैकेज कर्ज का मिल चुका है। कर्जों की अदायगी और फॉरेन करेंसी की कमी की वजह से मुआशी माहौल भी खतरे से खाली नहीं। पिछले एक साल के दौरान मिस्र को 2 बार अपनी करेंसी की कदर कम करना पड़ी है, जिसकी वजह से ये करेंसी क्राइसिस की तरफ जा रहा है। नंबर 5 कीनिया, सालाना जीडीपी 115 बिलियन डॉलर्स, पर कैपिटा इनकम 2255 डॉलर्स। दोस्तों, कीनिया भी एक ऐसा अफ्रीकी मुल्क है जो कि कर्जे और गुर्बत की बहुतात की वजह से तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। कीनिया का 30% रेवेन्यू सिर्फ मुल्क के कर्जे उतारने में इस्तेमाल हो जाता है और इनका आज स्टॉक मार्केट से जैसे कि कोई ताल्लुक ही नहीं। अगले 2 सालों में इन्होंने 2 बिलियन डॉलर्स अदा करने हैं। इनकी मईशत सबसे गैर मुस्तहकम है, इसीलिए क्योंकि मुल्क के रिजर्व्स के मुकाबले में इनका कर्जा बहुत ज्यादा है। इसके साथ इनकी करेंसी द शिलिंग पिछले एक साल में तो तेजी से गिरी है। इनका कर्जा आज 71 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, जो कि साल 2013 में सिर्फ और सिर्फ 16 बिलियन डॉलर्स था। 2020 में फैलने वाली वबा की वजह से कीनिया के मुल्क में सयाहत तेजी से खत्म होगी और इस मुल्क की कमाई की एक बड़ी वजह यहाँ पर सयाहत का होना था। आज इनके कर्जे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। नंबर 4 इथोपिया, सालाना जीडीपी 111 बिलियन डॉलर्स, पर कैपिटा इनकम यानी कि औसतन सालाना इनकम 1100 डॉलर्स। दोस्तों, पिछले कुछ साल पहले फैलने वाली वबा, यूक्रेन रशिया वॉर के असरात और कुछ दूसरी वजूहात की वजह से आज भी इथोपिया की मईशत शदीद मुतासिर है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उस वबा की वजह से यहाँ के एक्सपोर्ट्स और फॉरेन रेमिटेंसेस पिछले 2 सालों में 20% से भी ज्यादा गिर चुकी हैं। इथोपिया में हर वक्त एक सिविल वॉर भी चलती रहती है, जो कि साल 2020 में शुरू हुई थी। इस मुल्क की बहुत सी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं और इस जंग की वजह से इनकी मईशत को 20 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा है। इस मुल्क में इन्फ्लेशन का रेट 30% है। सिविल वॉर और गैंग वॉर्स की वजह से ये गरीब अफ्रीकी मुल्क फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से गिरा रहा है, जो कि मुल्क को बहुत जल्द डिफॉल्ट कर देंगे। नंबर 3 एल सेल्वाडोर, सालाना जीडीपी 32 बिलियन डॉलर्स, पर कैपिटा इनकम 4883 डॉलर्स। दोस्तों, आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी, लेकिन जिस दिन से एल सेल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करार दिया है, इस दिन से इन पर आईएमएफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ब्लैक मार्केट में आज इनकी करेंसी आधी कीमत पर बिक रही है। इस मुल्क की मईशत को नेचुरल डिजास्टर यानी कि कुदरती आफात जैसे के जलजलों और तूफानों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इकोनॉमिक सब्सिडीज और ऑफिशियल करप्शन की वजह से आईएमएफ ने हाल ही में इनको 1 बिलियन डॉलर का लोन भी देने से इनकार कर दिया है। एल सेल्वाडोर की मईशत का पहले दिन से ही जो सबसे बड़ा मसला रहा है, वो यहाँ पर लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि मुल्क में मुआशी तरक्की की कमी रही है। ये मुल्क एक जमाने में सोने और चांदी की माइनिंग की वजह से पूरी दुनिया में एक सोने की चिड़िया समझा जाता था, मगर आज यहाँ पर सोने की तमाम कानें बंद हो चुकी हैं और मुल्क की मईशत मोनो एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन चुकी है, जो कि सिर्फ कुछ चीजें ही दुनिया को बनाकर बेचती है, जिनमें डाइज और काफी सबसे आगे हैं।
नंबर टू पाकिस्तान, सालाना जीडीपी 377 बिलियन डॉलर्स, पर कैपिटा इनकम 1658 डॉलर्स। दोस्तों साल 2022 में पाकिस्तान की हुकूमत ने आईएमएफ से एक क्रूशियल डील की थी, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में शदीद महंगाई हुई और हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया गया। हाई एनर्जी इंपोर्ट प्राइसेस की वजह से पूरा मुल्क ही बैलेंस पेमेंट के क्राइसिस में पहुंच चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व भी 4 बिलियन डॉलर से भी कम हो चुके हैं और कुछ माहिर मौशियात का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और नाकाम हुकूमत ने इस बात को सियासी वजूहात की वजह से छुपाया हुआ है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर रिकॉर्ड लो हो चुकी है। आज पाकिस्तान अपनी कमाई का 40% हिस्सा कर्जे की अदायगी में दे देता है, इसलिए हमारे मुल्क को अपने खर्चे तेजी से कम करने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होने के दहाने पर आ चुका है और अगर हमारी मईशत इसी तरह नीचे की तरफ जाती रही तो हम अगले चंद दिनों में डिफॉल्ट करने वाले हैं। पिछले 20 सालों में बेतहाशा कर्जा लेने, करप्शन करने और गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हमारे मुल्क की मईशत का ग्रॉस पब्लिक डेब्ट 1500% बढ़ चुका है और ये 3 ट्रिलियन रुपए से उठ के सीधा 60 ट्रिलियन रुपीज तक पहुंच चुका है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान जो भी कमाता है वो हम कर्जे वापस करने में लगा देते हैं, ना कि अपनी डेवलपमेंट करने में, जिसकी वजह से ये तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। नंबर वन बेलारूस, सालाना जीडीपी 80 बिलियन डॉलर्स, पर कैपिटा इनकम 8570 डॉलर्स। दोस्तों वैसे तो रशिया यूक्रेन की जंग में पूरी दुनिया ही यूक्रेन की मदद कर रही है, मगर बेलारूस एक ऐसा मुल्क है जो कि अपने ताकतवर पड़ोसी रूस के साथ खड़ा है और जिस तरह आईएमएफ ने रूस पर पाबंदियां लगाई इसी तरह बेलारूस पर भी लगा दी है। इन पाबंदियों की वजह से इन दोनों साथी मुल्कों का इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से रابطہ ही खत्म हो गया है। बेलारूस अपनी मईशत को डॉलर बॉन्ड्स के जरिए चलाना चाहता था मगर इनको इसकी पेमेंट भी नहीं मिल रही। बेलारूस की सियासी सूरत हाल की वजह से यहाँ के लोग भाग भाग कर यूरोपीय ममालिक के बॉर्डर से टकरा रहे हैं और अपने मुल्क को छोड़ने की इल्लीगल तरीके से कोशिश कर रहे हैं। बेलारूस अपने बड़े भाई रूस की तरह डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है और बॉन्ड सस्ते बेचकर अपनी मईशत को बचाना चाह रहा है। दोस्तों ये थे वो ममालिक जो कि बहुत जल्द डिफॉल्ट करने वाले हैं और इनकी मईशत बुरी तरह बिड़ा गर्क कर चुकी है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है या करेगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियो के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।